साहब का ये कहना था कि अगर आप नहीं आते तब भी हम आसिफ अली जरदारी को ही वोट कास्ट करते, और ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी अब से चंद लम्हे कबल पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। तो ये बड़ा दिन है, यकीनन ये तीनों बच्चे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी, तो इनके लिए ये एक बड़ा मौका है कि जब उनके वालिद साहब इंतखाब लड़ रहे हैं, सदारती इंतखाब लड़ रहे हैं, तो ये विटनेस करने के लिए, चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी तो कौमी असम्बली के रुकन हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस को विटनेस करने के लिए बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका है और कौमी असम्बली में आज जो पोलिंग हो रही है, इससे मुतालिक भी समा आपको मुसलसल आगाह रखेगा। आ जाए आप। साहिबा का ये कहना था कि अगर आप नहीं आते तब भी हम आसिफ अली जरदारी को ही वोट कास्ट करते, और ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी अब से चंद लम्हे कबल पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। तो ये एक बड़ा दिन है, यकीनन ये तीनों बच्चे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी, तो इनके लिए ये एक बड़ा मौका है कि जब उनके वालिद साहब इंतखाब लड़ रहे हैं, सदारती इंतखाब लड़ रहे हैं, तो ये विटनेस करने के लिए, चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी तो कौमी असम्बली के रुकन हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस को विटनेस करने के लिए बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका है और कौमी असम्बली में आज जो पोलिंग हो रही है, इससे मुतालिक भी समा आपको मुसलसल आगाह रखेगा। आ जाए आप।